हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो आज मैं बनाऊँगी लौकी का हलवा, और ये लौकी है शुद्ध देसी लौकी है। इसमें ना कोई स्प्रे किया है, ना इसमें कोई दवाई डाली हुई है। और ये लौकी लेके आई है मेरी छोटी बहन अपने ससुराल से, और फिर मैं इस लौकी को कर लेती हूँ कट। और कट करने में बहुत ज़ोर आता है, क्योंकि इसका ऊपर वाला ये छिलका है ये बहुत ही टाइट है। और अगर बाज़ार से लौकी लेके आते हैं तो वो तो मनपसंद लौकी लेके आते हैं, कच्ची लौकी लेके आते हैं, लेकिन ये तो थोड़ी सी पकी हुई है। और फिर मैं इसको काट लेती हूँ, और काटने के बाद में फिर अंदर की ये गिरी है ये निकाल देती हूँ, और फिर ऊपर का छिलका निकालने के बाद में फिर इसको करेंगे कद्दूकस। और फिर मैं कर लेती हूँ कद्दूकस, और कद्दूकस करने के बाद में फिर इसका हलवा बनाएंगे। और फिर मैंने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है, और फिर मैं शाम के दोपहर में तो मैंने कद्दूकस करके रखा, और फिर शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ बच्चों का काम करने के बाद में। दोपहर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, फिर खाना बनाया तो फिर मैं नहीं बना पाई, और फिर मैं बनाती हूँ शाम की। तो फिर मैंने चूल्हे में आग जला दी है, और फिर मैं इसमें थोड़ा ये घी डालती हूँ। घी को गरम कर लेती हूँ, गरम करने के बाद में फिर इसमें लौकी डालेंगे। तो घी गरम होने के बाद में ये लौकी डाल दी है, और लौकी को कम से कम 10-15 मिनट के लिए घी में ही फ्राई करेंगे, घी में ही सेकेंगे इसको। अगर घी में नहीं सेकेंगे तो दूध डालेंगे तो दूध फट जाता है, और ये भूनने के बाद में दूध डालेंगे तो दूध नहीं फटेगा। ये मेरे साथ तो हुआ है भाई, दूध फट जाता है अगर जल्दी ही डाल देते हैं तो। अगर लौकी का हलवा बनाते हैं तो वही टाइम लगता है जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, उसी तरीके से ही लौकी का हलवा बनता है, लेकिन ये मेरे को तो गाजर से अच्छा लगता है। लौकी को घी में अच्छे से सेक लिया है, और फिर सेकने के बाद में फिर इसमें मैं डालूंगी दूध। और आज मैं लौकी का हलवा बनाऊंगी भैंस के दूध से, गाय का दूध नहीं डालूंगी।
हाँ जी, मैं अब डालती हूँ इसमें दूध, और दूध डालूँगी मैं भैंस का, और फिर डालने के बाद में फिर इसको हिलाते रहना है, और वही कड्डी वाली बात है, इसको 10-15 मिनट के लिए इसी तरीके से ही हिलाते रहना है। अगर इसी तरीके से हिलाते रहेंगे तो ये दूध नहीं फटेगा, नहीं तो लोकी में अगर दूध डालते हैं तो दूध फट जाता है, लेकिन वो दूध तो जैसे मावा जैसे बन जाता है, फट भी जाओ तो कोई बात नहीं है। और फिर मैं इसको सेक लेती हूँ, और इसी दूध का ये देखो मावा निकल के तैयार है, और फिर ये लौकी का हलवा बन के तैयार है। फिर इसमें मैं डालती हूँ ये किशमिश, और किशमिश डालने के बाद में 1 मिनट बाद में डालती हूँ इसमें चीनी, और चीनी डालने के बाद करते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद में फिर कम से कम 10-15 मिनट के लिए वापिस इसी तरीके से ही इसको पकाएंगे। अगर चीनी की चाशनी होती है तो वो चाशनी पानी, चाशनी का तो पानी ही बनता है, लेकिन वो पानी पूरा जलना चाहिए, और पानी नहीं, चाशनी नहीं रहनी चाहिए। अगर चाशनी रहती है तो ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, जैसे वो चाशनी दिखती रहती है, लेकिन चाशनी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो लौकी का हलवा तैयार है, बन गया है। और इसमें ना मैं काजू डाला है ना बादाम डाली है, इसमें सिर्फ मैंने किशमिश ही डाली है। तो बनने के बाद में फिर मैं कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ। नीचे उतारने के बाद में ये थाली है, तो इस थाली में इसी लोग हलवे को फैला देंगे, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मैं इसी पलटे से इसको दबा दबा के इसकी शेप बना देती हूँ। फिर मैं इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फिर हलवा ठंडा हो गया है, और फिर मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग। तो इसी तरीके से मैंने इस हलवे को कट कर लिया है। ये देखो कतली बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक कमेंट करके बताना, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राम राम जी।